जिसने इंडिया में इतने बार अटैक वगैरह किए थे, 17 बार अटैक किए थे, ठीक है। और उसने मतलब जो है ना, सोमनाथ टेम्पल है जो गुजरात का, सोमनाथ दा मंदिर जे कदे गजनी लुटदा ना, डोगरियां दी शह ते लॉर्ड हीरा कुटदा ना। और ये जो बाइक है ना, बाइक के ऊपर ये कंबल वगैरह डाल के रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डर रहा है अंग्रेज, समझा? अंग्रेज आया, लूट के गया हमारा पंजाब, हिंदुस्तान लूटा, अफगानिस्तान पाकिस्तान लूट के चला गया। देखिए, जो गजनवी के टाइम की जो जेल है ना, वो जेल जो कुछ इस तरह की जेल होती थी। सकते यहाँ पे लड़के भी चैल वैल करती हैं, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। ऑल राइट, सो गाइज, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो गाइज, आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो तुम्हारा भाई ना अभी जा रहा है काबुल से गजनी के लिए, ठीक है। गजनी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और मैं अभी काबुल से निकल चुका हूँ यार, ठीक है। और अभी हमारे साथ कुछ सीन हो गया था, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम वहाँ से ना डायरेक्ट टैक्सी ना बुक करके हम मतलब जो है ना गजनी स्टैंड पे जा रहे थे। तकरीबन उसने बोला था कि 20 मिनट लगेंगे, लेकिन उसने 20 मिनट नहीं यार, तकरीबन मतलब 40 मिनट लगा लिए। और वो बोल रहा था और आगे के 10 से 20 किलोमीटर हो रहा है यार। तो हमें वहाँ पे मतलब हम खुद को ना अनसेफ मान रहे थे यार, खुद को मतलब समझ रहे थे कि यार आप हो गए किडनैप वगैरह। और उसके चक्कर में हम वहाँ से उतरे, उसको 250 रुपये वहीं पे किए। उसके बाद एक डायरेक्ट जो है ना टैक्सी मिल गई यार, ठीक है। उससे बात की हमने कि हम तेरे को इतना देगा आने का जाने का 2500 अफगानी में, ठीक है, उधर घुमाएगा भी और उसके बाद वो सेफ ही रहेगा, हमारा बैग्स वगैरह भी बीच में पड़े रहेंगे यार। थोड़ा डर लग गया था यार आज, लेकिन मतलब वो मतलब खुद को लग गया था, बंदा नहीं था यार ऐसे, लेकिन खुद को लग रहा था कि हाँ ऐसा सीन है। और हम मतलब सेफ नहीं मान रहे थे, इसलिए हमने ये टैक्सी कर दी बुक, ठीक है भाई साहब। ये देखो यार, इस बंदे को देखो यार, साइकिल पे यार, क्या एक टायर पे साइकिल चला रहा, स्टंट कर रहा। देखो वो, देखो तो सही, ये देखो यार, चेक मारो इसको यार, बहुत दूर से ऐसे ही चला के लेके आ रहा है ये। हम जा रहे हैं गजनी की तरफ। और ये जो सुबह सुबह की चहल पहल देखो यार, काबुल मार्केट जो है ना, इस टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी जो शॉप वगैरह हैं सब ओपन हो गई है यार। लेकिन यहाँ पे ना तकरीबन सुबह 6:30 सारी दुकान जो है बिल्कुल ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह देखो, यहाँ इस तरह की बाइक वगैरह चलते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो। टैक्सी वगैरह यहाँ पे बहुत है यार, क्योंकि यहाँ लोकल टैक्सी ही चलती हैं, पैसेंजर वगैरह आगे पीछे जो भी है। और ये इनको क्या बैटरी रिक्शा बोलेंगे हैं भाई जी, ये जो है बैटरी रिक्शा। और पहाड़ पे देखो यार, घर जो बना के रखे होने, यहाँ से कितना यार तगड़ा व्यू लग रहा है कसम से यार, एकदम। तो गाइस, अभी हम रुके हैं यार इस पेट्रोल पंप पे, और ना हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं यार, एलपीजी गैस जो है ना वो बुरा रहे हैं भैया, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ यार, काफ़ी एडवेंचर रहा रास्ते में, ठीक है, रोड भी मतलब काफ़ी टफ है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यार, मुझे ना कोई मतलब मेरा कोई भी पासवर्ड वगैरह चेक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी शक्ल और ये जो परना पहना हुआ है, इसे मैं यहाँ पे लोकल लगता हूँ, अफगानी लगता हूँ यहाँ का, इसलिए ना कोई भी चेक वगैरह नहीं करता। और सुबह से अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। और पीछे ये अंकल लोग देख के हंस रहे हैं यार, चलो इनसे भी बात करते हैं पहले। तो मैं बता देता हूँ आपको कि मतलब कोई भी चेक नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाजी के साथ हूँ ना, तब बोल रहे कि मैं इसका वो ट्रांसलेटर हूँ, इसलिए मतलब कोई भी चेक नहीं कर रहा। यहाँ तक पाजी का ही पासपोर्ट चेक किया है और मेरा अभी तक बिल्कुल भी चेक नहीं किया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे बंदे हैं, इनसे करते हैं बातें और उसके बाद मतलब हम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं इंडिया कश्मीर से आया हूँ, कश्मीरी। आप कैसे हैं? बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंडिया कश्मीर से आया, कश्मीर से। और ये रहा यहाँ का कुछ बाइक वगैरह, और ये जो बाइक है ना, बाइक के ऊपर ये कंबल वगैरह डाल के रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डर रहा है? यहाँ पे ये रहा, यहाँ से गैस डाल रहे हैं हमें, ठीक है। अभी उर्दू आता किसी को? उर्दू नहीं आता? अच्छा, कम कम समझता है। अच्छा अच्छा, हमको भी कम कम पश्तो सीख रहा है अभी, मनाना राशे संगे है, मैं है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा पश्तो सीख रहा है। और गाइस ना, अभी ये कुछ इस तरह की यहाँ पे बस वगैरह चलती है छोटी यार, ये आगे टेम्पो वगैरह ये बस चलती है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर जो लोकल चलती हैं। बड़े तो ना मतलब आगे पीछे जाओगे तो वो मतलब यहाँ पे वॉल्वो वगैरह चलेगा, ठीक है। और आगे ये कुछ ब्रिज वगैरह दिख रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार यहाँ का। आगे देखो यार, यहाँ पे ना साथ में ना तालिबान भाइयों की गाड़ी भी है, तो इसलिए वो ना वो माइक में कुछ ऐलान वगैरह कर रहे हैं। ये देखो गाइस, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे लड़के भी चैल वैल करती हैं, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
ये आगे सामने यहाँ पे मस्जिद और सामने से देखो यार शमशेरा मस्जिद। अच्छा शमशेरा मस्जिद का नाम है और सामने देखो यार कितने घर है पहाड़ के ऊपर यार, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। ए भाई सामने देख लो ट्रैफिक इदा लग गया क्योंकि रोड कितने कितने ठीक आ जाती है कितने बिल्कुल ही खराब आ जाती है। पिछे रह गया तालिबान का चेक पोस्ट। गाइस अभी 4 घंटे का खतरनाक सफर करने के बाद हम गजनी में आ चुके हैं यार, और सबसे पहले गजनी में एक काम करते हैं कि खाना खा लेते हैं। सुबह भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था और बिस्कुट वगैरह लेज वगैरह लिए लिए थे और वही खा लिया था, ठीक है। रास्ते में कुछ अच्छा मिला नहीं खाने के लिए और यहीं पीछे एक रेस्टोरेंट है और यहीं पे खाना वगैरह खाते हैं अच्छे से पेट भर के, और उसके बाद गजनी का आपको मैं किला दिखाऊंगा, गजनी की जेल दिखाऊंगा और गजनी की जो है ना मकबरा दिखाऊंगा जहाँ उसकी कब्र है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। और ये यहाँ पर रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खाना वगैरह खाने के लिए रुके हैं, ठीक है। पाजी अंदर ही और जो हमारा उस्ताद है वो भी अंदर ही है यार, और चलते हैं सीधा अंदर जहाँ पे जो है ना शूज़ वगैरह बाहर उतारने पड़ता है। बैठने का जो सिस्टम है ना वो बहुत बढ़िया है यार, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बैठने का सिस्टम, देखो यार अल्लाह बैठने का सिस्टम यहाँ पे और यहाँ पे ये आ गई रोटी, ये देखो पूरा होटल देखो यार। और वो रही वहाँ पे किचन, वहाँ पे सारा कुछ बनता है, वहाँ पे वहीं से लाते हैं क्योंकि ये सामने डोर है, और ये रोटी देखो। तो फाइनली गाइस अभी ना बड़ी मुश्किल से हमने वो किला जो है ना मोहम्मद गजनवी का जो किला है वो ढूंढ लिया यार, बहुत टाइम लगा तकरीबन आधा घंटा लगा यार। और ये जो चाचू है ना इन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर आप जा सकते हो और वहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बैक कैमरे से, ये देखो यार मैंने एंट्री जो इसकी यहाँ से हो रही है, ठीक है। अब टॉप पे जाएंगे हम, वहाँ से इसकी जो भी हिस्ट्री रहेगी उसके किले में जाएंगे, सारा कुछ बताएंगे क्या है क्या नहीं। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। सलाम अलैकुम, हम कश्मीर से, इंडिया कश्मीर। ये देखो गाइस यार, और यहाँ पे यही स्टार्ट हो जाता है, ये बाउंड्री है उसकी यार जितने भी किले की, वहाँ तक आगे भी है लेकिन जो मेन एंट्री जैसे वो यहाँ से ही है, सामने आपको दिख रहा है यार। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सुल्तान मोहम्मद गजनवी के किले में, ठीक है यार। बहुत मुश्किल से ढूंढा ये किला, और इसके बारे में बता देता हूँ जो है ना, मतलब यहाँ पे अफगान में पहले जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था और 7वीं ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद जो है ना सुल्तान मोहम्मद गजनवी की जो हुकूमत थी ना वो 10वीं सदी में जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और उसके बाद इसने ना मतलब 10वीं ही सदी में जो है ना ये इंडिया में अटैक किया था, वो आगे इसके अंदर जाके मैं बताऊँगा कहाँ अटैक किया था, कौन सी जगह किया था, ठीक है। वो सारा कुछ मैं बता के अंदर जाके बताऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये देखो बाहर से किला जो है वो कुछ इस तरह से, ये देखो चेक मारो गाइस, ठीक है। अभी जो है ना रास्ता देखते हैं और कहाँ से होगा इसके अंदर जाने का, अभी हमें रास्ता नहीं मिल रहा यार। ये देखिए जो गजनवी के टाइम की जो जेल है ना वो जेल जो है कुछ इस तरह की जेल होती थी पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गाड़ी वगैरह डैमेज वगैरह हैं यहाँ पे। और ये जो है ना पाजी, ये जो है ना ये जेल है जेल, और देखते हैं यार इसके अंदर जाते हैं, खतरा है जाएं ना जाएं यार कोई पता नहीं यार, फिर भी यार देख रहा हूँ चलते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इस किस्म की यार यहाँ पे ये जेल है यार, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये उस टाइम की जेल है यार यहाँ पे, ये देखो यार। तो गाइस ना हमें किले में ये हमारे मुजाहिदीन मिल गए तालिबान के, और बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई तालिबान का भाई मिलता है। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आपको उर्दू आता है किसी को? बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ, थोड़ा सा, थोड़ा बिल्कुल भी नहीं। ये हम लेके जाए पख्तो, पख्तो पश्तो पश्तो मराना संगे है मैं, बस इतने संगे है मैं। ओके मैं भी ले लूं एक मिनट। ये हमारे सारे यार मुजाहिदीन भाई मिल गए, मेरी इधर खींच दो फोटो, दोनों लाइट खींच दो। और गाइस अभी ये हम आ चुके हैं किले के ऊपर बिल्कुल टॉप में, ये रहा किला, ठीक है। अब तो जो इस किले का बिल्कुल नाम ही रह गया क्योंकि यार इतने मतलब टाइम से बना हुआ है 900 ईस्वी का, और टूट गया यार आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ओह है ना, मतलब सांस लेने थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, ये देखो गाइस यार ये चेक मारो। और अभी आगे हो चलते हैं यार, यहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ इस साइड का एरिया, ये देख लो गाइस ये चेक मारो।
तो गाइस अभी मैं सुल्तान मोहम्मद गजनवी की जो है ना आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, वो पैदा कब हुआ था, क्या हुआ। 2 नवंबर 1971 में वो पैदा हुआ था और उसके बाद जो उसकी एज थी ना वो 58 ईयर तक वो जिंदा रहा था यार, ठीक है। और उसने मतलब मैं उसकी जो हिस्ट्री है उसने अटैक किया, उसकी जो मतलब हुकूमत थी ना वो 1000 ईस्वी में आई थी, ठीक है। 1971 ईस्वी में वो पैदा हुआ था और 10000 ईस्वी में उसकी जो है हुकूमत आई थी। और उसके बाद इसने पहले ही साल जैसे ही इसकी हुकूमत आई इसने अपनी मतलब नाम बढ़ाने के लिए, अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए इसने जो है ना इंडिया का जो है ना सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है उस पर ना अटैक किया था। और उस वहाँ पर जितना भी सोना वगैरह था उस मंदिर का वो इसने लूट लिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी वहाँ पर अटैक किया था और उसके बाद औरंगज़ेब ने भी अटैक वगैरह किया था, जितने भी वहाँ थे सोना वगैरह उन्होंने वो लूट लिया था, ठीक है। और ना अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर टॉप पे आने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अभी मैं आपको इस तरफ से बता देता हूँ, ये देखो यार ये किला, ये मतलब अब किला है यार क्या इस तरह के, अब हमारे इंडिया में इतने पुराने घर भी नहीं है। और ये जो है ना मतलब पुराने टाइम में जो है ना यहाँ इनका ये महल हुआ करता था, ये आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे पहले चेक पोस्ट वगैरह हुआ करते थे, ये सामने आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से पूरा आपको गजनी सिटी दिखेगी यार, ये देखो कितना प्यारा व्यू है यार। मैंने सोचा था गजनी जो सिटी होगी ना वो बिल्कुल छोटी होगी यार, और ये देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ पहले वो पोस्ट वगैरह होती थी, ये सारा ना उस तरफ ना वो मिट्टी के घर वगैरह हैं। और इधर भी मैं आपको बता देता हूँ यार, इस साइड सोमनाथ दा मंदिर जे कदे गजनी लुटदा ना, डोगरियां दी शह ते लॉर्ड हीरा कुटदा ना, लाहौर ते अखां हुंदियां ना जे आंढ गवांढ दियां, साडे गोरे पौंदे पट्ठे मेमा पांडे मांझ दियां। मतलब अंग्रेज इधर आया लूट के ले गए, अंग्रेज समझा, अंग्रेज आया लूट के ले गया हमारा पंजाब, हिंदुस्तान लूटा, अफगानिस्तान पाकिस्तान लूट के चला गया, नहीं जाता। पाजी ने सही बोला यार, वही बता रहे हैं, इधर काम कर, गोरा अभी भी कब्जा कर लेते हैं, गोरे को अच्छा भगा दिया यहाँ, अच्छा अमरीका को भगा दिया, रशिया को भगा दिया, ये हमारे यहाँ के इनकी ये मैन लीडर हैं यार, दोस्त कश्मीर भी दोस्त है ना। और गाइस ये देखो यार ये गजनी सिटी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी जो घर आपको दिख जाएंगे वो ज़्यादातर मिट्टी के घर दिख जाएंगे, ठीक है। वो सामने रही जेल, ठीक है, उस टाइम की। और यहाँ पे इस तरफ देखो जितने भी घर हैं सारे ना मिट्टी के घर हैं यार, मिट्टी के घर को बोलते हैं मल्ट के घर भी बोलते हैं, ठीक है, और सारे मल्ट के घर हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी है यार, वहाँ पे आप देख सकते हो यार, मैंने सोचा था बहुत छोटी होगी। अब हम जाते हैं यहाँ से रास्ता, ठीक है। और इधर आगे तो मतलब कुछ नहीं है, बस ये टूटा फूटा हुआ ही है जो महल है, ठीक है, जो है मोहम्मद गजनवी का जो अंदर मकबरा है यहाँ इस तरफ अंदर है। यहाँ सामने आप यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ, उसका नाम लिखा हुआ, और ये यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ना हम एंट्री करने वाले हैं अंदर की तरफ, ये सामने आप नाम देख सकते हो यार, उसकी कब्र है अंदर, हम अंदर आ चुके हैं। ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी की जो है कब्र है यार, ठीक है, ये मकबरा यहाँ बोलते हैं, और ये रही उनकी ये कब्र यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये देख लो। और ये दरवाजे हैं ना ये भी पुराने टाइप के, ये देखो यार यहाँ पे, ये देखो। तो गाइस अभी ना हम सुल्तान मोहम्मद गजनवी की जो है ना कब्र देख के हम वापस आ चुके, जो आपने अंदर जो कब्र देखी थी वो उसी की थी। और जो है ना जिसने इंडिया में इतने बार अटैक वगैरह किए थे, 17 बार अटैक किए थे, ठीक है, और उसने मतलब जो है ना सोमनाथ टेंपल है जो गुजरात का वो लूटा था यार, मतलब पूरा उसका अंदर जितना भी सोना वगैरह था ना सारा लूट लिया था यार। और 17 बार सोचो यार, 17 बार अटैक कितना खतरनाक हुआ होगा, एक अटैक, 2 अटैक और 17 अटैक। गजनी किले को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ रहे थे, जैसे कि आपने पीछे देखा हमारे साथ तालिबान के कुछ आदमी थे, उनमें से यार बाद में जब वापस आ रहे थे तो मतलब थोड़ा बातचीत वगैरह की, उन्होंने पूछा कि आपका वो कागज़ पत्र वगैरह कहाँ पे, यहाँ का स्टैंप लगाया है नहीं लगाया, तो हम मतलब उसी दिन गए थे और वापस रिटर्न आना था, क्योंकि बाकी ना जो स्टंप लगानी थी वहाँ पे, हर जिस प्रोविंस में जाओगे ना वहाँ की आपको स्टैंप चाहिए। लेकिन छुट्टी थी यार, एक हफ्ता छुट्टी, आपको पता है ईद की यहाँ पे अफगानिस्तान में, एक हफ्ता मतलब सैटरडे को वो फिर से ऑफिस जो है वो ओपन होगा। और फिर भी यार उन्होंने मतलब 3-4 जो तालिबान के बंदे थे उनमें से एक बंदे ने बोला यार 3 दिन रखेंगे इनको इधर ही, 3 दिन के बाद जब वो आएगा कोई ऑफिसर वगैरह वो स्टैंप लगाएगा उसके बाद। और उनमें से ना 2-3 अच्छे बंदे थे यार, उन्होंने बोला कि नहीं यार 3 दिन क्या करेंगे, ईद भी है और उसके बाद ना उन्होंने हमें मतलब 20 मिनट वहाँ पे बातचीत वगैरह हुई और उसके बाद उन्होंने फिर भेज दिया। तो हम आगे उसके बाद वापस रास्ते, हमने कोई शूट वगैरह नहीं किया। तो मैं ये सुबह मतलब आपने जो व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।